नेक्स्ट कैमल की ही कंटिन्यूशन है एवोल्यूशन की. इंटरमीडिएट एंसेस्टर पोयबोथ्रियम, इनकी एवोल्यूशन की काज क्या थी? पोयबोथ्रियम माइग्रेट किए थे, लैंड ब्रिजेस मौजूद थे नॉर्थ अमेरिका और एशिया के दरमियान ना, तो उसकी वजह से माइग्रेशन इन्होंने की. वंस इन एशिया, जब एशिया में पहुंचे तो वैरायटी ऑफ एंसेस्ट्रल कैमल्स पोयबोथ्रियम मूव्स टू वेरियस लोकेशन डिपेंडिंग ऑन इट्स रिसोर्सेज. अब एशिया में जहाँ जहाँ उनको डेफिनेटली अच्छा फूड मिला या अच्छा इन्वायरमेंट मिला, वो वहाँ वहाँ मूव कर गए. ओवर टाइम वेरियस कैमल सब स्पीशीज सॉ चेंजेस इन एलील, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ALLELE, फ्रीक्वेंसी वेरियंस ऑफ ट्रेड्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन ड्राइवन बाय द रिसोर्सेज. अब टाइम के साथ साथ कैमल जो सब स्पीशीज़ हैं उनके एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज होती गई, क्योंकि अब देखो ना वो डिफरेंट एरियाज़ में चले गए थे और डिफरेंट एरियाज़ में अब उन्होंने रिप्रोड्यूस अपनी की बैक आके तो नहीं करना था, तो एलील स्पीशीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होना शुरू हुई. इन्होंने अडाप्टेशन क्या लिए, लेंथ इंक्रीज होना शुरू हो गई, साइज़ इंक्रीज हुआ, टीथ और जॉ स्ट्रक्चर चेंज हुए ताकि जितनी फूड अवेलेबल है वेरीड उसको खाया जा सके. वेंट फ्रॉम 4 to 2 लॉस्ट में बेटर सूटेड फॉर ग्रास लैंड देन एग्जिस्टेड इन नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग दिस टाइम प्रो कैमलियस मायोसिन. दिस इज द टाइम आफ्टर द पोयबोथ्रियम ऑलमोस्ट 20 to 50 million ईयर्स अगो. दिस इज द टाइम वेन अर्थ स्टार्ट कूलिंग. मायोसिन टाइम पीरियड में ना अर्थ कूल होना शुरू हो गई थी और देर इज़ अ बिग चेंज इन स्पीशीज. They start to migrate in other areas that environmental change causes the Miocene to enter into the Pliocene. Pro-Camelius Miocene time period mein, and this is the time after the Pro-Camelius almost 20 to 50 million years ago. This is the time when Earth starts cooling and there was a big change in species. They start to migrate in other areas that environmental change causes the Miocene to enter into the Pliocene. अब इसमें क्या हुआ कि एनिमल ने अपना साइज़ इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, उनकी नेक्स इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, फिजिकल फीचर्स जो है ये टूथ और जॉज वगैरह और सॉफ्ट पेडल फुट और आइज हुए. प्लायोसीन में कैमल्स डेवलप हुए और शार्पली एक्सटिंक्ट भी हुए बाद में. इनमें एग्जांपल्स जो आ जाती हैं वो ऑसीडेक्टाइलस, गजील, स्टेनोमाइलस की आ जाती हैं. इट इज़ डिवेलप्ड अबाउट 2.5 million years ago. It developed when the North and South America gathered and they form a bridge. Though through that bridge many species migrating toward the North and became the earlier ancestors of the llama and alpaca. Some of them move along the Bering Straits and migrate into the Asia and finally developed into the modern camels, bacterium and the dromedaries. Scientists believe that bacterium with the two humped evolved later in comparison to the dromedaries with the one humped camels. अब देखें scientists bacterium camel मैंने आपको दिखाया था कि ये two humped camels है, camel है, और dromedaries species में one humped camel आता है. तो scientists कहते हैं कि bacterium दोबारा जो dromedaries है वो पहले आया था और उसके बाद बैक्टीरियन कैमल आया था. अ रीसेंट फॉसिल रिकॉर्ड ऑन द एलिसमरी आइलैंड इन द आर्कटिक रीजन ऑफ द कैनेडा एंड एक्सप्लेन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री फ्रॉम पोयबोथ्रियम टू मॉडर्न कैमल्स. दिस शोज दैट द मॉडर्न कैमल्स रिजेंबल विद द स्पीशीज, ऐसा आएगा यहाँ पे, विद विच अबाउट 5 मिलियन ईयर्स अगो इन द मिडल ऑफ द प्लायोसीन एंड सम कैमल्स मूव आउट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका into the Asia and finally developed into the modern camels. It shows that the size of those camels are twice than modern camels and they also have some adaptations to develop in the Asia. Paracamelius इसकी evolutionary steps ये आपको आपकी किसी book के अंदर अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, मिलर एंड हार्ले में ही मिल जाएंगे. Camelius Pleistocene तकरीबन 11,700 साल पहले वन हम कैमल डेवलप हुआ था, ड्रोमेडरस डेजर्ट्स में रहते थे,
6 फीट हाइट थी। लेटर लार्जर फैटी एसिड थे इनके पास और रोप की तरह रस्सी की तरह की टेल थी। एट द टाइम बैक्टीरियन एंटर द एशिया, इस टाइम में बैक्टीरियन एशिया में 2 हम्प्ड कैमल एंटर हुआ। वेरिएशंस के साथ द बैक्टीरियन इज थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम द ड्रोमेडरी। ये सोचा जाता है कि बैक्टीरियन जो कैमल है ये इवॉल्व हुआ ड्रोमेडरस से। क्यों? कि जो मॉडर्न ड्रोमेडरस कैमल का फीटस है, अगर आप उसको डेवलपमेंटल टाइम पीरियड में देखें तो उसके 2 हम्प्स होते हैं और उनका एक जो वेस्टिजियल हाइंड हम्प होता है अडल्ट ड्रोमेडरस में। तो ये चीज़ एविडेंस है, लेकिन ये भी बहस तलब है। या आप लोग ये कह लें कि इसमें 100% ऑथेंटिसिटी अभी नहीं है। एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न कैमल, हाइट इनकी 6 फीट है, वेट तकरीबन 1500 पाउंड होता है। ब्राउन टू बेगाई फर, बेगाई फर ये हल्का येलो कलर, सैंड का कलर, ये इस तरह के कलर्स को कहा जाता है। हम में फैटी टिश्यू होता है, रोप लाइक टेल है, लॉन्ग थिन पावरफुल आइज, लार्ज डोई लाइक आइज। ये लाइट ब्राउन से ना, ये बिल्कुल लाइट से कलर की ना, हल्का ग्रीन या जो ब्राउन कलर के डियर लाइक आइज, जो बहुत अट्रैक्टिव आइज होती हैं। लॉन्ग नेक हैबिटेट है, हॉट ड्राई डेजर्ट कंडीशन में रहते हैं, लो प्रेसिपिटेशन, बारिश कम होती है, लिटिल वेजिटेशन, नीश हर्बीवोरस है। और क्लासिफिकेशन है किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, ऑर्डर वर्टिब्रेटा, फैमिली कैमेलिडी। उसके बाद जीनस कैमेलियस और स्पीशीज ड्रोमेडरस। अडाप्टेशन इनके पास क्या है? हम में फैटी टिश्यू है, एनर्जी रिजर्व के तौर पे काम करता है, क्योंकि फैट्स है ना वहाँ पे वाटर स्टोर नहीं होता। अब एक और चीज़ देखेंगे, इनके पास आईलैशेस की डबल रोज है जो उनकी आंखों को सैंड से प्रोटेक्ट करती हैं। इंटरनल थर्मोस्टैट होता है जो बॉडी टेम्परेचर को कम रखता है एयर टेम्परेचर से, जो जिसकी वजह से वाटर टेम्परेचर कंजर्व रहता है। डोमेस्टिकेटेड असिस्टेंट सर्वाइवल एंड हार्श कंडीशंस, वेरिएशन ऑफ द जीनस एंड द डिस्ट्रीब्यूशंस। थैंक यू।